हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर कलर का रिव्यू, जो कि है गोदरेज एक्सपर्ट का रिच क्रीम हेयर कलर, नो अमोनिया, लॉन्ग लास्टिंग कलर एंड 100% ये कवरेज देता है। अल्ट्रा सॉफ्ट डीप शाइन प्रोवाइड करता है हमारे हेयर को एंड ये कलर है बरगंडी कलर। स्पेशल ऑफर में ये मुझे ओनली 25 रुपये मिला है, पहले 30 का मिलता था। और इसके पीछे मेंशन किए गए इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं एंड कितने टाइम तक हमें इसे अपने हेयर्स पे अप्लाई करके रखना है और कितने टाइम बाद इसे धुल देना है। इसे हम लोग को ऑनली 30 मिनट ही रखना है अपने हेयर पे, उसके बाद इसे वॉश कर देना है हेयर को। एंड इसके साथ हमें दो सैशे मिल जाते हैं और एक डेवलपर है, सेकेंड क्रीम है। इन दोनों को मिक्स करके हमें अप्लाई करना होता है। सबसे पहले मैं क्रीम को कट करके इसमें ऐड करती हूँ और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पे। इसके बाद मैं डेवलपर इसमें मिक्स करूँगी। और इसे बहुत ही केयरफुली हमें मिक्स करना होता है कांच की बॉल में। कांच की बॉल ही बेस्ट होती है हेयर कलर को मिक्स करने के लिए। इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। और ये जितने ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा उतना ही अच्छा है, तभी हमारा कलर अच्छे से आएगा, जितना हम चाहते हैं डिज़ायर्ड कलर तभी हमें मिल पाएगा। गाइस, इसे 2 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना होता है, तभी ये अच्छे से मिक्स हो पाएगा। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए इसे ऐसे ही ब्रश की हेल्प से मिक्स करते रहना है। और हेयर पे अप्लाई करने से पहले हमें हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, तभी हमारा हेयर कलर अच्छे से आएगा डिज़ायर कलर जो कि हम चाहते हैं। इसके बाद मैं अब अप्लाई करूँगी हेयर्स पे। सबसे पहले हेयर वॉश कर लेना है एंड उसके बाद अच्छे से कॉम कर लेना है हेयर को। हेयर उलझे हुए नहीं होने चाहिए, वरना कलर अच्छे से नहीं अप्लाई हो पाएगा। और ग्लव्स को अपने हैंड में वेयर कर लेना है हेयर कलर अप्लाई करने से पहले। और आप जहाँ जहाँ भी चाहते हो अपना हेयर कलर करना, वहाँ वहाँ अच्छे से कर लीजिए। और आपको जिस जगह पे लगता है कि हाँ मुझे हाईलाइट करना है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब मुझे अपना हेयर शो करना है, तो आप वहाँ पे इसे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। और मेरा हेयर आगे से छोटा है, पीछे से बड़ा है, बिकॉज़ मेरा कटिंग जो है वो 3 स्टेप है। थ्री स्टेप तो पता ही है आप लोगों को, आगे से छोटा बड़ा ये सब होता है। अगर आपके हेयर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसका 2 पैक भी ले सकते हैं, तभी आपके हेयर पे अच्छे से अप्लाई हो पाएगा। मेरा तो 1 में ही हो जाता है। मुझे नीचे साइड और आगे साइड यहाँ पे हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे अप्लाई कर सकते हो। और इसे अप्लाई करने के बाद 30 मिनट तक के लिए इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हमें अपने हेयर को वॉश कर लेना है। हेयर वॉश हमें करना है बट शैम्पू नहीं करना है। सबसे पहले हेयर ऐसे ही वॉश करके और हमें 2 दिन के लिए छोड़ देना है हेयर पे ऑयलिंग करके। हेयर ऑयलिंग करने के बाद कलर और भी अच्छे से आता है हमारा। आप लोग ज़रूर ये ट्रिक ट्राई करिएगा कि हेयर कलर करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश करिए, शैम्पू मत करिए और ऑयल लगा के छोड़ दीजिए। इसके 2 दिन बाद अगर आप शैम्पू करते हैं तो आपका हेयर कलर काफ़ी अच्छा आता है। आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। गाइज, मैंने गार्नियर के हेयर कलर का भी रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वाली वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं यहाँ सजेस्टेड वीडियो में दे दूंगी तो आप उसे भी देख लीजिएगा। गार्नियर का हेयर कलर बरगंडी कलर का मैंने किया हुआ है और नेचुरल ब्राउन का भी किया है, आप उसे भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने उसका भी डेमो करके अच्छे से दिखाया हुआ है। गाइज, आफ्टर 30 मिनट मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया था और उसके बाद ऑयल लगा के उसमें छोड़ दिया था और इसके 2 डेज़ बाद मैंने शैम्पू किया है। आप देख सकते हो मेरा हेयर कुछ इस टाइप का लग रहा है। कलर आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है बट आया है।